नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में धरने पर बैठे और सपा सरकार में बनवाए गए पैरामेडिकल कॉलेज, हृदय रोग संस्थान, ऑक्सीजन प्लांट को तत्काल चालू कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नाकामियों और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोगों की जाने गई हैं। साथ ही उन्होंने 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार को चुनाव नहीं कराना चाहिए था, लेकिन सरकार सत्ता के लोक में चुनाव कराने पर अड़ी रही, जिसका परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक कोरोना वायरस प्रभाव बढ़ गया है और सरकार बंदोबस्त करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। कन्नौज से राजू वर्मा की रिपोर्ट। सरकार को जगाने के लिए आए हैं, जो सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में महामारी को फैलाया है, हजारों लोगों के परिवार उजड़ गए हैं, तो जगाने आए, अब तो जाग जाओ मेरे सरकार कि तीसरी लहर कहीं ना आ जाए। जाग जाओ, पैरामेडिकल कॉलेज शुरू करा दो, कैंसर अस्पताल शुरू करा दो, बंद पीएससी सीएससी शुरू करा दो, ऑक्सीजन प्लांट लगवा दो। 2000 करोड़ रुपया लगे हैं कन्नौज में, पहली माननीय पूर्व अखिलेश यादव की सरकार ने बनवाए थे। आप 2 करोड़ रुपया नहीं लगा पाए, गैस प्लांट लगा देते। इस सरकार ने, इनके प्रधान हो जाएं, ये सत्ता लोलू हैं, पद लोलू हैं, प्रधानी का चुनाव कराकर और बंगाल में चुनाव कराकर पूरे देश में महामारी फैलाने का काम किया है। इन्हें प्रधान चाहिए थे, इन्हें ब्लॉक प्रमुख चाहिए थे, इन्हें अपने जिला पंचायत अध्यक्ष चाहिए थे, इन्हें बंगाल पे कब्जा करना था। जनता से कोई मतलब नहीं था, पूरे देश में महामारी फैलाने का काम किया सरकार ने किया। अब ऐसी विषम परिस्थिति आई कि लोग तड़पते रहे, माँ के सामने उसका बेटा मरा तड़पता हुआ, कुछ नहीं कर पाए। लोग मुझ पे पूछो, मैं रात रात सोया नहीं। लोग मेरे पास फोन करते थे, भाई मेरे भाई को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। मैं क्या करता, मैं मेडिकल कॉलेज फोन करता, बेड नहीं, अस्पताल फोन करता, ऑक्सीजन नहीं, प्राइवेट वालों को फोन करता, हम नहीं भर्ती करेंगे। अधिकारी लाचार थे, हम क्या कर सकते हैं। क्या करती रही सरकार, सरकार कहती भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। उन परिवारों से पूछो जाके जिसके बच्चे अनाथ हो गए हैं, कोरोना जीता है या भारत जीता है, परिवार बर्बाद हो गए हैं। इसलिए जगाने सरकार को आए, उस समय कुछ करते तो ये होता कि राजनीति कर रहे हैं। अब कुछ शांत है मामला, इसलिए अब कह रहे हैं जागो मेरे सरकार, ऐसा ना हो तीसरी बार अटैक हो जाए और सब कुछ साफ हो जाए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।